एसआर के जोगनेर जयपुर में राज्य स्तरीय 11वीं और 12वीं का साइंस इंस्टीट्यूट है, जिसमें बायो और मैथ की फाउंडेशन सिस्टम यानी आईआईटी और जेई की तैयारी बोर्ड के साथ में होती है। राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूट के बारे में हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं। जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में है जोगनेर, ज्वाला माता की पावन भूमि और भामाशाह श्री करण नरेंद्र सिंह जी द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय होने की वजह से शिक्षा नगरी के रूप में पहचान है। और यहीं पे है एसआर के जोगनेर साइंस का संस्थान 11वीं 12वीं के लिए। लहरी चकाचौंध से दूर पूर्णतया प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ है एसआर के का हाईटेक इंस्टीट्यूट, जयपुर नागौर मेगा हाईवे पर स्थित। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आकर विद्यार्थी यहां बन जाते हैं एक परिवार, एसआर के परिवार, जो साइंस बायोलॉजी मैथमेटिक्स यानी नीट जेई आईआईटी एनडीए एयरफोर्स आदि की तैयारी करते हैं। विद्यार्थियों की नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु दिन की शुरुआत इस वंदना से होती है। एसआर के 11 सालों से स्थायी अनुभवी एवं सशक्त टीम एसआर। दोनों को सी सरकार मानी जाएगी अब लेकिन सुक्रोज कौन सी सरकार मानी जाएगी? इंस्पेक्टर मैंने आपको तीनों की बता दी है। इसी के साथ पॉलीबस एक राइट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वापस सुनिए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट ग्रेड जो अपने जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड का क्या कहलाते बेटा पॉलीसेकेराइड। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बात होता है और वो है पॉलीसेकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो अपने जल अपघटन पर 10 वेजिटेटिव सेल प्राप्त की जाती है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल में भेड़ की स्तन कोशिका का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे अंडा कोशिका को यांत्रिक विधि के द्वारा कितना हुआ जो इसका पहला स्थान है सही स्थान, ठीक है। कितने तरीकों से बना जाएगा? 5 तरीकों से बना जाएगा। तो पहला 5 तरीके से। अब हमने क्या किया, सपोज करो 2 को यहां पर डाल दिया, हमने क्या किया 2 को यहां पर रख दिया। अब बताओ दूसरे स्थान अगर आपके पास में इसी बंद बनने की वजह से ये एक कौन सी सकरा है? अपने सब्जेक्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पर तुरंत अध्यापक से प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। इसके लिए अलग से प्रॉब्लम काउंटर्स पे शिक्षक रहते हैं। वो अभी आप लोग 20 मिनट में उसका कर सकते हो, क्योंकि इस समय दिमाग की एक्टिव रेंज ज्यादा हो जाती है। एग्जाम हमारा राज्य स्तरीय छात्रावास, जिसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों से गांव और ठाणियों के विद्यार्थी एक परिवार की तरह रहकर के अध्ययन करते हैं और अपनी कामयाबी सुनिश्चित करते हैं। आइए जानते हैं हमारे एसआर के बॉयज छात्रावास के बारे में। एसी युक्त एवं फायर प्रूफ बिल्डिंग में संचालित है एसआर के बॉयज हॉस्टल, जहां खुला वातावरण बच्चों को दिया जाता है। पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाते हैं तो शुरू होता है खेलकूद मनोरंजन। शाम के भोजन के समय भोजन मंत्र, राज्य स्तरीय छात्रावासों की श्रृंखला में हमारा लाडली छात्रावास, बालिकाओं का छात्रावास, जिसमें पूर्णतया सुरक्षित
एवं आधुनिक पद्धति से तैयार किया हुआ छात्रावास जिसमें बिल्कुल पूर्णतया तनाव रहित वातावरण है, उसके बारे में हम जानते हैं। पूर्णतया एकांत एवं सुरक्षा के मानदंडों को पूरा करता हुआ हमारा बालिका छात्रावास, जहां राजस्थान के अलग अलग जिलों से बेटियां आकर अपने कैरियर को ऊंची उड़ान देती है, हमारा लाडली बालिका छात्रावास। शहरी चकाचौंध से दूर होने के कारण यहां मिलता है पूरा प्राकृतिक वातावरण। शाम का समय होता है खेलकूद और मनोरंजन का। शाम की प्रार्थना सभा कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता की ध्वनि, निदेशक श्री रामलाल चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री लालाराम बाजिया, श्री रामचंद्र घोसले, हॉस्टल मैनेजमेंट एवं प्रिंसिपल। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।